नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्लांट लवर अनीता में। और आज का मेरा वीडियो है कि सितंबर का जो एंड है और अक्टूबर में अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज कर लें और गुडाई कर लें अच्छे से, और जो भी घास निकली हो गमलों में वो सब निकाल लें। तो देखिए, मैं आज ये गोबर खाद है जो अपने पौधों को मैं देने वाली हूँ आज। और जैसा कि मैंने पहले भी शेयर किया है कि अक्टूबर में और मार्च अप्रैल में साल में दो बार मैं अपने पौधों को खाद देती हूँ और गोबर खाद देती हूँ। तो चाहे वो इंडोर प्लांट हैं, चाहे आउटडोर हैं, चाहे सकुलेंट हैं, मैं सबको खाद यही खाद देती हूँ। और मेरे जो प्लांट हैं वो अच्छे ग्रो हो रहे हैं। तो किस तरह से देती हूँ वो आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। और आज ये देखिए, ये जो छोटे छोटे घास है ना, इनको पहले सबसे पहले ये निकाल लीजिए। तो वैसे तो मैं तैयार ही नहीं होने देती हूँ, लेकिन छोटे छोटे जो ये निकल रहे हैं इनको भी निकाल लेना है। और किसी भी आप टूल से अच्छे से गुडाई कर लें। मैंने ये स्क्रू ड्राइवर लिया हुआ है क्योंकि ये पकड़ने में भी इजी रहता है, हल्का और नुकीला अच्छा होता है आगे से। तो इसी से मैं अच्छे से गुडाई कर लूँगी गमलों में, और जो भी गार्डन एक्सेसरीज रखी हूँ उनको भी निकाल लें, साइड में कर लें, फिर अच्छे से गुडाई कर दें। इससे जो है पौधों को अच्छे से हवा मिल जाती है रूट्स को, और अच्छे से सांस ले पाते हैं। और गुडाई वैसे अगर आप 15-20 दिन में कर दें गमले में तो अच्छा रहता है, लेकिन कभी कभी हमें टाइम नहीं मिलता है ये सब करने के लिए, तो महीने भर में भी हम गुडाई करते हैं। लेकिन अगर गुडाई होती रहे तो फंगस का भी कोई डर नहीं रहता है, मिट्टी जो है ऊपर नीचे हो जाती है तो फंगस भी नहीं लगती है। तो देखिए, अच्छे से गुडाई करने के बाद में मैं इसमें 2 या 3 मुट्ठी गोबर खाद डाल दूँगी। तो जिस तरह का पॉट होगा ना, उसी तरह उतनी ही मैं खाद दूंगी। जैसे ये पॉट है बड़ा थोड़ा, तो इसमें मैं 2 से 3 मुट्ठी दे दूंगी, और छोटा पॉट होगा उसमें 1 आध मुट्ठी दूंगी। तो ये डालने के बाद में फिर से इसको मिट्टी में मिक्स कर देंगे, और जैसे ही हम इन प्लांट्स में वाटरिंग करेंगे तो धीरे 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 जो पोषक तत्व हैं वो रूट्स जो हैं वो अपने आप लेती रहेंगी, और जो प्लांट है वो हेल्दी रहेंगे। अभी कुछ एक प्लांट का डोरमेंसी पीरियड आएगा और कुछ प्लांट्स का ग्रोइंग पीरियड आएगा विंटर में, तो दोनों ही प्लांट्स को ताकत चाहिए, उसमें पावर चाहिए उनको, जैसे जो बढ़ने वाले प्लांट हैं उनको ग्रो होने के लिए, और जो डोरमेंसी में जाने वाले हैं उनको ठंड से बचने के लिए पावर चाहिए। तो इसलिए मैं सारे के सारे प्लांट्स को आज फर्टिलाइज करूंगी। वैसे मैंने आज एक और काम भी सोचा था कि अपने बरामदे को मैं डीप क्लीन करने वाली थी, तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, अभी 10 बज रहे हैं। तो अगर मैं डीप क्लीन करूँगी तो मेरे सारे के सारे पॉट जो है वो बाहर निकलेंगे, क्योंकि फ्लोर भी डीप क्लीन होगा और टाइल्स वगैरह ऊपर, छत भी सारी, तो ये सारे बाहर निकलेंगे। तो धूप तेज़ हो गई थी तो आज मैंने उसको कैंसिल कर दिया, और आज मैंने पहले सोचा कि इनको गुडाई करके अच्छे से खाद दे दूँ, और अगले दिन मैं फिर इन सबको बाहर निकालूंगी, सुबह सुबह ही करूँगी, क्योंकि 10 बजे से पहले की धूप जो है वो थोड़ी अच्छी होती है, उसके बाद तो बहुत तेज़ धूप पड़ रही है। हमारे यहाँ लगभग 1 महीना होने को हो गया लेकिन बारिश नहीं हो रही है, और डेली तेज़ धूप हो रही है एकदम। तो फिर मैं 10 बजे से पहले पहले ये सारा काम करके फिर से अपने पॉट्स को अरेंज करूँगी। तो आज का ये मेरा काम है गुडाई का और पौधों को खाद देने का। तो देखिए, मैंने अब सभी पॉट्स में, चाहे वो छोटे हैं बड़े हैं, देखिए कैलेंचो के हैं, ये सारे के सारे पॉट्स में गुडाई कर दी है, साथ में उनको पॉट्स के हिसाब से खाद भी डाल दी है। तो अब ये धीरे धीरे करके मेरे जो प्लांट हैं वो खाद से पोषक तत्व लेते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे। और देखिए, जब हम ये काम करते हैं गुडाई का या फिर खाद देने का, और बीच में से घास भी निकली है छोटी छोटी इनमें से, तो देखिए कितनी ज़्यादा गंदगी जो है फैल गई है अभी सब जगह। ये देखिए, बहुत कहीं पे मिट्टी है, कहीं घास है, पत्ते हैं, गले पीले जो भी पत्ते हैं वो सब मैंने हटाए हैं,
तो पूरा का पूरा जो ये बिखर गया है पूरी मिट्टी और खाद वगैरह, तो अब ये सारा काम बढ़ेगा क्लीनिंग का, और ये सबसे बड़ा काम होता है। लेकिन एक गार्डनर को ये सब काम करना अच्छा लगता है, तभी वो मन लगता है इन सब कामों में कि ये सब काम करना है, उसके बाद क्लीनिंग करनी है, और बहुत सारी मेहनत जो है वो लगती है गार्डनर की, और थोड़ा इस मेहनत का नतीजा होता है फिर एक सुंदर सा गार्डन और सुंदर से पौधे। उनको देख देख के हम खुश होते हैं, हमारे जो मन को है जो खुशी मिलती है, तो हमारा जो दिन है ना बहुत अच्छा जाता है। तो प्लांट्स हमें बहुत पॉजिटिविटी देते हैं, घर में भी पॉजिटिविटी लाते हैं। बहुत सारे प्लांट्स लगाने चाहिए अपने घर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आपके पास कितना स्पेस है और कितने आप प्लांट्स को संभाल सकते हो, उस हिसाब से प्लांट चाहे थोड़े चाहे ज़्यादा ज़रूर लगाएं। बहुत पॉजिटिव एनर्जी जो है घर में आती है, नेगेटिव एनर्जी को दूर करते हैं ये, और बहुत सारे ऐसे शुभ पौधे भी होते हैं जो घर के वास्तु दोष को दूर करते हैं, जो भी नेगेटिव एनर्जी हमारे घर के अंदर होती है उसे दूर करते हैं। तो इस तरह के पौधे भी अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। तो देखिए अभी मैंने सारे गार्डन को क्लीन कर लिया है और पौधों को फिर से फ़िलहाल के लिए अरेंज कर दिया है। देखिए क्रोटोन में कितनी ब्रांचेस आ गई हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये दूसरा वाला भी अच्छा लग रहा है, और ये जो रख दिया मैंने आज, कल फिर इनको बाहर निकालूंगी। और देखिए ये मेरा डेफिनबेकिया का प्लांट, धूप से इसके जो पत्ते हैं वो जलने लगे हैं, इतनी तेज़ धूप हो रही है। अभी मैं इसे साइड में रखूंगी कहीं जहाँ पे इसे थोड़ी धूप जो कम मिले। आधे आधे बरामदे में अब धूप आना शुरू हो गई है, और ये बोलीवियन ज्यू मेरा थोड़े दिन में ही देखिए पूरी बॉटल्स भरने लग पड़ी हैं। ये बहुत ही अच्छा प्लांट है और बहुत दिन से मेरी विश लिस्ट में था और फाइनली मुझे मिल गया। और बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनको मैं मतलब चाहती हूँ कि मुझे जल्द से जल्द मिले, और मुझे मिल भी जाते हैं वो। तो किसी चीज़ की इच्छा जो होती है ना, वो दिल से हम जब चीज़ को चाहें तो वो ज़रूर मिल जाती है। और ये मेरा अजीलिया का एक फूल टूट गया इसमें गुडाई करते समय, और ये देखिए बाकी सारे प्लांट्स बहुत अच्छे से सभी हेल्दी ग्रो हो रहे हैं। और ये देखिए क्रोटोन के ना ये वाले पत्ते काफ़ी लंबे लंबे से हो गए हैं, देखिए नए पत्ते 3 निकले हैं अभी, और काफ़ी लंबा पत्ता देखिए बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं अभी। और हाँ पता ही है, मैंने आपसे रिपोर्टिंग वीडियो भी शेयर किया था। ये देखिए दूसरे वाले क्रोटोन में जितने भी नए लीव्स निकले हैं बहुत अच्छे निकले हैं, येलो और ग्रीन का कॉम्बिनेशन है, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये भी। और इस आगे वाले में भी 2-3 नई लीव्स आई हैं, ये देखिए काफ़ी सुंदर सा प्लांट होता है क्रोटोन, बहुत अच्छा लुक ऐड करता है हमारे गार्डन में। आगे ये स्टारलाइट फाइकस है, तो ये भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है अभी, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये, इसकी वेरिएशन भी बहुत सुंदर लगती है। और ऑलमोस्ट सारे मेरे प्लांट जो हैं हेल्दी ग्रो कर रहे हैं, और आज इन्हें खाद भी मिल गई है तो और अच्छे से अभी ग्रो करेंगे। और कल भी मैं जो है क्लीनिंग का वीडियो आपसे शेयर करूँगी कि जो अब ये सारे के सारे प्लांट जो हैं बाहर निकलेंगे, और फिर मैं इसको पूरा डीप क्लीन करके फिर इनको अच्छे से अरेंज करके रखूँगी। आज भी क्लीनिंग की है पूरी अच्छे से, इनको हटा हटा के और फिर इनको वापस रख दिया, और कल फिर पूरी क्लीनिंग होगी तो फिर वापस इनको अरेंज करूँगी, किसी की जगह चेंज करनी होगी वो करूँगी, क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ आने हो रही है अभी, बारिश तो बिल्कुल भी नहीं है, नामो निशान नहीं है बारिश का। तो ये मेरा मनी प्लांट भी बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है, और ये जो गोल्डन पोथोस है इसके लिए मैंने घर में ही ये स्टिक बना ली है मॉस्टिक, और इस पे ये देखिए ये एक स्टिक जो है इसकी ब्रांच जो है वो लग भी गई है, रूट्स इसमें अंदर जाने लगी हैं, तो अच्छे से ग्रो हो रहा है। और ये अलमांडा भी अच्छा चल रहा है, और देखिए इधर ये कैलेंचो, ये भी मेरे अच्छे से ग्रो कुछ है, कटिंग छोटी छोटी जो ख़राब हो रही थी वो मैं लगाती जा रही हूँ, लेकिन अभी गर्मी कम नहीं हो रही है इस वजह से ये भी अच्छे से ग्रो नहीं हो पा रहे हैं। आगे ये ब्लीडिंग हार्ट है, इसको देखिए कितना सुंदर है, ये बहुत सुंदर है, बहुत दिन तक इसके फूल बने रहते हैं ऐसे के ऐसे, बहुत ही प्यारा सा प्लांट है ये। और ये आप चाहे तो बुश बना सकते हैं, वैसे ये एक वाइन है, चाहे तो वाइन की तरह रखें, चाहे इसे आप प्रून करके बुश की तरह रखें,
और आगे ये मेरा अडेनियम है छोटा सा, बहुत ही अच्छा ये भी ग्रो होने लगा है अभी। तो एक ही प्लांट मुझे मिला था तो मैंने लगा लिया, बाकी कई दिन से मेरी विशलिस्ट में था ये, पर मिल नहीं रहा था। तो एक प्लांट मिला जो कि मैंने अपने गार्डन में ऐड किया है, बहुत ही सुंदर प्लांट होता है अडेनियम भी। तो कुछ इस तरह से अभी देखिए गार्डन लग रहा है, क्लीनिंग के बाद बहुत सुंदर लगता है, और इस तरह से क्लीन गार्डन और भी सुंदर। तो आज का वीडियो मेरा यही था, गुडाई करके खाद देने का जो आपसे मैंने शेयर किया है। और ये मेरे पनसेटिया हैं जो कि बहुत अच्छे से ग्रो हो रही हैं दोनों के दोनों, देखिए। और इसमें इसकी एक कटिंग मैंने लगाई है, वो भी अभी ये ग्रो हो गई है, दो और लगी हैं वो भी ग्रो हो गई हैं। तो यही था वीडियो, हैप्पी गार्डनिंग।